नयाब, मुझे तुम्हारा बात चेक करना है। मेरा फोन गायब है। क्यों? अब मेरे बैग में कैसे होगा तुम्हारा फोन? क्योंकि तुम्हारे पास तो फोन है नहीं, इसलिए। देखो, तुम दोनों मुझे यहाँ पे तंग मत करो। जाओ यहाँ से, मेरे पास नहीं है तुम लोगों का फोन। ऐसे कैसे तंग ना करें, दो अपना बैग। नहीं दूंगी मैं बैग। मैंने कहा ना, मेरे पास नहीं है तुम लोगों का फोन। अभी पता चल जाता है। फोन करो, मेरा नंबर डायल करो। जी, अब किसके बैग से आवाज आ रही है नायाब? आवाज तो मेरे बैग से आ रही है, लेकिन ये फोन यहाँ पे कैसे आया? चोर! चलो उठो अभी प्रिंसिपल के पास। देखो, मैंने कुछ नहीं किया। प्रिंसिपल के पास मैंने चलो ना। चोरी नहीं किया। चलो चलो, तुम लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे? अरे बेटा, कैसी है तानिया? अल्लाह का शुक्र है कि वो अब ठीक है। थैंक गॉड। निकार, साफियार का दिमाग खराब है? किस बात की उसे इतनी जल्दी थी जो उसे पीछे भागती हुई तानिया नजर नहीं आई? हाँ, और दूसरी गाड़ी ने आके उसको टक्कर मार दी। व्हाट? ट्रस्ट मी, मुझे कुछ भी नहीं पता। मुझे तो बस फोन कॉल आई है तो मैं उल्टे पांव भागती हुई आई। आई नो नथिंग अबाउट दिस। मैं जाके जावियर से पूछूंगी। बट यू नो हिम, इज सच अ काइंड हार्टेड पर्सन, वो ये ऐसा नहीं कर सकता। सारा कसूर उसका है। आखिर जावियर ने मेरी बेटी को समझा क्या हुआ है? अच्छा, अब उसके बिहाफ पे मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मैं डेफिनेटली जाके पूछूंगी उससे, और अगर उसकी गलती हुई तो वो तुमसे भी आके माफी मांगेगा और तानिया से। ये पब्लिक प्लेस पे इस बात डिस्कस करने का फायदा नहीं है ना। मुझे बताओ, तानिया कहाँ है? आई हैव टू सी हर। अंदर इमरजेंसी में। हाँ चलो। तुम दोनों मेरे साथ ठीक नहीं करी। देखो, मेरे पे इल्जाम था ना। मैम, ये देखिए, मेरा फोन इसके बैग से निकला, इसने चोरी किया है। आपने फोन चोरी किया? आप तो मुझे बहुत मासूम और शरीफ घर की लगती हैं। मैम, मैंने फोन चोरी नहीं किया। पता नहीं इनका फोन मेरे बैग में कहाँ से आ गया। मैडम, कहाँ से आया होगा? क्लास से निकलते वक्त इसने फोन उठा लिया होगा और अपने बैग में रख लिया होगा। मैम, ये जरूर इन दोनों लड़कियों की साजिश है मुझे फंसवाने की। मेरे पास पता नहीं कैसे आ गया था इनका फोन। मैम, ये चोरी भी करती है और फिर एटीट्यूड भी दिखाती है। मासूम बन के ये हम सबको पागल बना रही है। मेरा इतना महंगा फोन था, इफ माई पेरेंट्स वुड हैव फाउंड आउट तो वो मुझे डांटते, मुझे घर तक नहीं आने देते। कंप्लेन आपके पास ही आती। फिर फोन आपके बैग से निकला? जी मैम। फिर तो मुझे एक्शन लेना होगा। 1 वीक के लिए आपको टर्मिनेट किया जा रहा है, और अगर दोबारा गलती हुई तो आपका नाम ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। मैम, प्लीज ऐसे ना करें। सॉरी, मैं अपने घर वालों को क्या कहूंगी? मैं उन्हें क्या बताऊंगी कि मुझे सजा मिली है? आपको बताने की जरूरत नहीं, मैं खुद फोन करके बताऊंगी कि आप चोरी करती हैं। थैंक यू मैम। सानिया बेटा, क्यों इस तरह बेदहानी में तुम सड़क पर चल रही थी? अगर खुदा न खास्ता तुम्हें कुछ हो जाता, मैं तो जीते जी मर जाती। हम लोगों ने क्यों बचाया मुझे? मेरी जिंदा रहना चाहती, मैं मर जाना चाहती हूँ। देखा 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 तुमने, ये किस तरह अपनी बातों से मुझे टॉर्चर करती है, अजियत पहुंचाती है। अजियत कौन सी? अजियत में तो मैं हूँ। मैं नहीं जीना चाहती, मैं मर जाना चाहती हूँ। I just wanna die. तानिया, मरे तुम्हारे दुश्मन, पर तार जो आइंदा इस तरह का कोई लफ्ज अपने मुंह से निकाला बेटा। जुग जुग जियो। एंड आई एम श्योर तुम्हारी और जावियार की कोई लड़ाई हुई है ना? रुक जाओ, मैं अभी जावियार से बात करती हूँ और ऐसी क्लास लूंगी ना, इसके दिमाग ठिकाने आ जाएगा। कह रहा था कि मैं पहुंच रहा हूं और अभी तक पहुंचा ही नहीं। हेलो मॉम। हेलो जावियार, कहां हो तुम?
जी जी बस रास्ते में हूँ, मीटिंग में था ना इसलिए देर हो गई। कैसी है तानिया? तानिया ठीक है, लेकिन तुमने कहा था ज़ाविया, ये क्या किया है तुमने? क्या क्या किया है मैंने? जो कुछ भी हुआ है तुम्हारी वजह से हुआ, ना ये तुमसे मिलने आती, ना तुमसे झगड़ती और ना इस तरह पागलों की तरह सड़क पर भागती और ना वो गाड़ी आके उसे हिट करती। आंटी मैं जल्दी में था, मैं निकल गया, पीछे से क्या हुआ है मुझे नहीं पता। क्या डॉक्टर्स कह क्या रहे हैं? छोड़ो इन बातों को, मुझे ये बताओ तुम चाहते क्या हो, इरादे क्या है तुम्हारे? अगर तुमने उसे जिंदगी में शामिल ही नहीं करना था तो क्यों घूमते रहे उसके साथ? क्यों तुमने उसको ख्वाब दिखाए? कोई ख्वाब नहीं दिखाए उसको मैंने आंटी, यकीन करें मेरा, मैंने जिंदगी भर कभी उससे ऐसी कोई बात ही नहीं की। क्यों यकीन करूं तुम्हारा? मेरी बेटी कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं कि जब तुम्हारा दिल चाहा तुमने दोस्ती की और जब दिल चाहा उसका दिल तोड़ दिया। दुजाना एक मिनट निगार, मुझे उससे बात करने दो। मैं इसके मुंह से सुनना चाहती हूँ ये क्या चाहता है। ज़ाविया अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना तो मैं सारी जिंदगी तुम्हें माफ नहीं करूंगी। I'm really sorry. Can I swear? मैंने कभी उससे। तुम्हारे पास ज़ाविया सिर्फ दो ऑप्शंस हैं। या इसे अपना लो, या इसकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए दूर हो जाओ। एक सेकेंड, ज़ाविया, I think दुर्दाना बिल्कुल ठीक कह रही। यही वक्त है डिसीशन लेने का। फौरन फैसला करो। अच्छा मॉम, मैं रास्ते में हूँ, बस पहुँच रहा हूँ। अरे बेटा फोन करके पता तो करो क्या हाल है उसका, मेरे तो दिल में 100 तरह के वसवसे आ रहे हैं। हां तो आपके सामने कितनी दफा ट्राई कर चुकी हूँ लेकिन कोई भी कॉल नहीं अटेंड कर रहा। देखिए नहीं की ना, आप बस दुआ करें कि तानिया जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, वरना दुदाना आंटी तो इस सबका रिस्पॉन्सिबल हमें कंसिडर करेंगे। जी, आपके बेटे और पोते का इस शहर में नाम है। खुदा ने खास्ता अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो गया तो मीडिया के इस दौर में हमारी बात बदनामी होगी। अजीब इंसान हो तुम भी, यानी वो बच्ची हॉस्पिटल में पड़ी है और तुम्हें अपने नाम की पड़ी है, खुद गर्जी की भी हद होती है बेटा। दादू आप बस दुआ करें कि तानिया जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। अरे बेटा दुआ कर करके तो मेरी जुबान सूख गई है। अल्लाह अपना करम करे, खैर खैरियत से वो बच्ची घर आ जाए बस।